हाय गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइज आज की इस वाली वीडियो में करने वाले हैं ब्राउन टोन फोटो एडिटिंग। अब लास्ट वीडियो में आपसे मैंने पूछा था कि कौन सी फोटो आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना चाहोगे एंड बहुत सारे कमेंट्स है कि यार ये डार्क टोन वाली फोटोज थी ब्लैक एंड ब्राउन टोन इसका आप एक ट्यूटोरियल ला के दो क्योंकि बहुत ही मस्त एक ऑटम टोन लगती है एंड इस वाली कलर टोन से बिल्कुल एक ऑटम वाली फील आती है एंड इसलिए इस टोन का हम ऑटम टोन रख रहे हैं एंड इसका ट्यूटोरियल आज की इस वाली वीडियो में करने वाले एंड ऑल्सो प्रीसेट भी आप सभी लोगों के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस इस टाइप की कलर टोन के लिए आपको अपनी फोटो कौन सी चूज करनी है, आपको अपनी ऐसी फोटो देखनी है जहाँ पे बैकग्राउंड बहुत मस्त ग्रीन कलर हो या फिर आपकी पत्तियां हो जिनको कि आप चेंज करके फिर उसको ऑटम टोन में लेके आओ। अगर आपकी बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है जैसे प्लेन एक वॉल है तो वहाँ पे ये वाली टोन अच्छी नहीं लगेगी, तो आपको नेचुरल से जो आउटडोर वाली फोटो होती है पार्क वगैरह में आप जाते हो या फिर पीछे पेड़ दिख रहा है बहुत अच्छा था या ग्रीनरी पीछे है तो वहाँ पे आप ये टोन बहुत इजीली डाल सकते हो। एंड अगर आप अपने आउटफिट्स में ब्राउन कलर ऐड कर लें तो फोटो आपकी और भी अच्छी आ सकती है। तो ये फोटो क्लिक होने के बाद हमारी ऐसी आ गई थी लेकिन एडिटिंग करने के बाद ये फोटो बहुत ही कमाल की लगी एंड आपको बताता हूँ कैसे हमने इस फोटो को एडिट किया था। ओके सो हियर वी आर इन लाइटरूम मोबाइल एंड यहाँ पे सबसे पहला स्टेप लाइट्स को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइट्स पे हम क्लिक करेंगे एंड मेरी फोटो मेरे को शेडोज थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि हेयर्स की डिटेल आप देखिए गायब हो रखी है, तो जस्ट हम क्या करेंगे शेडोज को बढ़ा देंगे एंड सी हमारे हेयर्स वापस आ चुके हैं। बट हाँ इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, जस्ट इसको थोड़ा सा जहाँ तक नेचुरल लगे तो इसको इतना रखेंगे। आप इसको अपनी फोटो के हिसाब से कर लेना, मैं अपनी फोटो के हिसाब से एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाईलाइट्स थोड़ा कम करते हैं एंड बैलेंस हो गई फोटो थोड़ी सी, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके एंड फोटो थोड़ी सी फेडेड सी लग रही है, जीन्स जो ब्लैक थी वो बिल्कुल फेड हो चुकी है, हल्की सी ब्लू थी वैसे जीन्स, तो इसका हम ब्लैक्स थोड़ा कम कर देंगे, सी कॉन्ट्रास्ट हमारा थोड़ा सा वापस आ जाएगा विच इज़ ग्रेट एंड बालों में भी डिटेल सब काफ़ी सही है। तो ये जस्ट हमारी यहाँ पे अभी लाइट्स हमने एडजस्ट कर ली हैं, अब चलते हैं आगे एंड यहाँ से आते हैं टेम्परेचर पर। तो थोड़ा सा हम टेम्परेचर को कम करेंगे एंड जस्ट इसको -5 या -4 तक रखूँगा और मैं टेम्परेचर इसलिए कम कर रहा हूँ मेरी फोटो ज़्यादा येलो थी। अगर आपकी फोटो येलो ना हो तो आप इसको ना छेड़ें, अगर आपकी फोटो मतलब एक्चुअली सही टेम्परेचर में क्लिक की गई है तो आप इसको ना छेड़ें। और इसके बाद वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं तो देखिए कलर हमारे वापस आ चुके हैं। अब आता है मेन पार्ट, यहाँ तक हमारे जस्ट अभी करेक्शन हुई थी, अब हम कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो ग्रेडिंग के लिए हम चलेंगे ऊपर इस वाले टैब के अंदर और यहाँ पे देखिए जो हमारी फोटो में कलर्स हैं, जैसे कि मेरी फोटो में ग्रीन कलर यहाँ पे पत्तियों पे है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसका ह्यू करेंगे इस टोन में तो ये हल्का सा येलो हो चुका है एंड मेन कलर येलो, येलो का ह्यू हम चेंज करेंगे और इसको रखेंगे इस साइड। तो सी हमारी पत्तियाँ बिल्कुल मस्त ऑरेंज हो चुकी है लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट हमारे फेस पे भी आ रहा है, उसको हम कैसे सही करेंगे, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करते हैं एंड इसका ह्यू थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो सी हमारा फेस सही हो रहा है। इसका लुमिनियंस भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि आपका स्किन थोड़ी सी ब्राइट हो जाए और डन, यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है। इसके बाद फोटो में हमारा ये ब्लू कलर भी है जीन्स के ऊपर, इसको हमें बिल्कुल ज़ीरो कर लेना है क्योंकि हम फोटो में ब्लैक टोन डालना चाह रहे हैं, ब्लैक एंड ऑरेंज। इसके बाद ये जो पर्पल कलर है यहाँ पे हल्का सा नीचे आ रहा है, इसको भी हम ज़ीरो कर लेते हैं, ज़ीरो नहीं थोड़ा सा कम करेंगे और इसका ह्यू थोड़ा सा ब्लू साइड, ठीक है। ये जो कलर इसको भी हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी फोटो में जस्ट अभी ये कलर टोन आई है, आप देखिए बिफोर आफ्टर, जो कि काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम इसका विनियर थोड़ा कम करेंगे ताकि एजेस थोड़ी सी डार्क हो जाए, लेकिन हमारी फोटो में ऊपर वाइट वाला पार्ट भी है तो हम क्या करेंगे इसकी हाईलाइट्स थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि जो वाइट पार्ट कॉर्नर पर ये ख़राब ना हो, तो पूरा फुल कर देंगे और फीदर थोड़ा सा और इसका बढ़ा देंगे, मिड पॉइंट इसका जो है वो छोटा करेंगे तो सी यहाँ तक इफेक्ट आएगा इसका, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है, डन। इसके बाद आप इसकी क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और आप इसकी शार्पनेस भी बढ़ा सकते हैं, तो मैं थोड़ी शार्पनेस बढ़ाता हूँ एंड देखिए फोटो मस्त एक शार्प टोन में आ चुकी है। थोड़ा सा कम करता हूँ, शार्पनेस ज़्यादा लग रही है। एक चीज़ में फाइनल हम और कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं इस वाले टूल के अंदर और यहाँ पे ये हाईलाइट्स का जो टूल है इसके हम सैचुरेशन बढ़ाते हैं पहले और इसका कलर देखते हैं कौन सा आपको रखना है। हल्की सी इसमें जा रहा हूँ येलो टोन आए तो येलो रखेंगे और इसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम, तो सी हमारी फोटो ओवरऑल बहुत मस्त यहाँ पे एडिट हो चुकी है एंड आई थिंक फाइनल हमारी कलर टोन यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब आप इस फोटो में और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, हेयर को एडिट कर सकते हैं, रीशेपिंग कर सकते हैं और डॉजन बर्न कर सकते हैं, उससे आपकी फोटो और ज़्यादा एनहांस हो सकती है, जैसे कि मेरी फाइनल फोटो बहुत ही कमाल की बन गई थी। तो वो सारी चीज़ें मैं ऑब्वियसली आपको इस वाली वीडियो में तो नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैंने हर चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर लेना, लिंक उन सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड या ये वाली कलर टोन आप अपनी किसी फोटो में डाल सकते हैं, वो भी जस्ट एक प्रीसेट की मदद से, आपको प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए एंड यूज़ करिए अपनी फोटोज़ में। ऑल्सो गाइज आप सभी लोगों के लिए एक लाइटरूम का प्रीसेट भी है इस पूरी कलर टोन का, तो आप ये पूरी कलर टोन एक क्लिप अपनी फोटो में लगा सकते हैं, जस्ट आपको सेटिंग्स को कॉपी एंड पेस्ट करना है, आपकी फोटो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो अगर आपको डाउनलोड करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री प्रीसेट, उसको डाउनलोड करिए, यूज करिए अपने सभी फोटोज में एंड अगर आपकी फोटो अच्छे से एडिट हो जाए तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए, #nsbpictures यूज करिए एंड मुझे भी टैग करिए ताकि मैं आपकी फोटोज देख पाऊँ एंड ऑल्सो मुझे फॉलो जरूर से कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, आपको ये कलर टोन एंड ये फोटो भी काफी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर
करना है, हो पहली बार अगर सब्सक्राइब करना है, एंड मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपको अपनी वो फोटो उठाने जहाँ पे आपकी फोटो में कलर्स, जहाँ पे ये अपना हल्ला बंद कर रहे हैं।